लकम बैक टू माइड ब्रेंड्स मैं हूँ खुशी भटनागर और आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास सेकेंड का हिंदी का फोर्टीन चैप्टर जिसकी कहानी नटखट चूहा हम पढ़ चुके हैं पर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने नहीं की थी वो हम अभी करने वाले हैं तो उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेज नंबर नाइन्टी टू तक हम कर चुके थे इसलिए पेज नंबर नाइन्टी थ्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी बुक का पेज नंबर नाइन्टी थ्री ओपन करें जिससे हम साथ में एक्सरसाइज को कर सके ठीक है तो ये है आपका पेज नंबर 93, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कहानी से तो कहानी से आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको बताने हैं पर इसमें जगह नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में तो कॉपी और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए जिससे हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सके ठीक है पहला प्रश्न है दर्जी चूहे के किस बात से डर गया था जो दर्जी था हमारा सबसे जिसके पास वो कपड़ा लेकर गया था किस लिए सिलवाने के लिए तो किस बात से डर गया था कि जो चूहा है वो रात में आएगा अपनी सीना लाएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा इस बात को सुन के दर्जी जो था वो डर गया था है ना तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे तो हम लाइन से सारे प्रश्न को देख लेते हैं उसके उत्तर किस तरह से लिखने हैं ये भी देख लेते हैं तो उत्तर पहला हम लिखेंगे दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था कि वह रात में चूहे को अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा इस बात को सुन के दर्जी जो था वो डर गया था तो उसने सोचा कि मैं इसकी टोपी सिल ही देता हूं तो यह है आपका उत्तर इसको देख के अपनी कॉपी में उतार लीजिए और बिना उतारे आगे नहीं बढ़ना है हिंदी को हमें लिख लिख के देखना है प्रश्न दो है चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था चूहे का क्या क्यों मन हुआ था कि उसे टोपी पहनना है तो चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार तक के तरह दिखे वो इसलिए टोपी पहनना चाहता था जिससे वह सुंदर और राजकुमार की तरह दिखे इसलिए वो टोपी पहनना चाहता था तो ये आपका उत्तर एक या उत्तर दो है दोनों को आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके लिखिए पर आपको लिखना ज़रूर है तो अपनी कॉपी में उत्तर उतार लीजिए जिससे हम आगे बढ़ सके ठीक है तो अब बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न तीन है चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था चूहा क्यों चाहता था कि उसकी टोपी पर सितारे लगे इसलिए क्योंकि उसको जो टोपी थी वो अति सादी सादी सी लग रही थी उसने सोचा कि मैं इस पर कुछ और करवा सकता हूँ इसलिए उसने उसपे इस सितारे लगवा लिए तो चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे सादी ना दिखे सुंदर दिखे इसलिए वह टोपी पे सितारे लगवाना चाहता था प्रश्न चार है दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया दर्जी जो था उसने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया था क्यों क्योंकि क्य। उसने सोचा कि चूहे को टोपी की क्या जरूरत तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा तो दर्जी ने चूहे को टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इससे उसका समय जो है खराब होगा कि चूहा टोपी का क्या करेगा उसका समय खराब होता तो इसलिए उसने चूहे को मना कर दिया कि मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा तो ये हाक हो गए आपके दो उत्तर तो इन्हें दोनों को फटाफट से आप लिख लीजिए ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले एक्सरसाइज पर तो यहाँ पे हो गए आपके ये सारे चार प्रश्न अब आगे आते हैं पहले क्या हुआ तो लाइन से आपको कुछ वाक्य दिए हैं यानी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं तो जो पहले हुआ फिर उसके बाद हुआ कहानी को सुनने के बाद हम कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर आपने कहानी नहीं सुनी है नटखट चूहा तो आपको ये कुछ भी नहीं समझ पाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं तो पहले आपको इसका पार्ट वन जरूर देखना होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप इसका पार्ट वन देखें तभी आपको सारी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी तो जो कि ये एक्सरसाइज है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे ठीक है तो ये आपका प्रश्न था जहाँ पे लाइन से सारे वाक्य दिए हुए हैं इनको हमें अरेंज करना है यानी इस तरह लिखना है कि जो पहले हुआ और फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो सबसे पहले हुआ था कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा यानी पहले नंबर पे ये आएगा तो आखिरी वाला जो वाक्य है उसको आपको सबसे पहले पे लिखना है फिर चूहे को रेशमी कपड़े के कपड़े की कतरन कतरन मिली तो रेशमी कपड़े की कतरन उसे दुकान से मिली थी तो ये हो गया उस आपका दूसरा वाला फिर यह हुआ, हुआ चौथे राजा के दरबार में गया ये हुआ पांचवें नंबर पे और चूहा सिंहासन पे बैठा ये हुआ आखिरी पे तो ये है गलत वाक्य गलत तरीके से लिखे हुए हैं हमने इन्हें सही में इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको नीचे या तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो अपने बुक में इस तरह से दिए हुए तो यहाँ आप नंबरिंग कर सकते हो ये वाला हो जाएगा दूसरा फिर तीसरा हो जाएगा ये फिर चौथा हो जाएगा ये फिर पांचवा पा हो जाएगा आ, ये और छठा हो जाएगा ये तो ठीक है इस तरह से आप नंबर लिख दो चाहे तो ऐसे पूरा नहीं लिखना हो तो सिर्फ नंबर लिख दो अपने वाक्यों के, के आगे कि इस तरह से इसी नंबर में वो अरेंज होंगे ठीक है चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज को देख लेते हैं तो हमारी ये हो ये ये एक्सरसाइज 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 हो हो गई गई अब अब आते हैं दूसरी पे तुम्हारी समझ से यानी कुछ प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं जो हमें अपनी समझ से इसके उत्तर देने हैं तो बारिश में मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहे अपने बिल में से नहीं निकल पाए पाया होगा तो बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जो चूहा जो है वो अपने बिल से अपने घर से नहीं निकल पाता है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे कि क्या है और कैसे लिखना है इसके लिए भी आपको कॉपी तैयार रखनी पड़ेगी तो बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहे अपने बिल से नहीं निकल पाते हैं तो बारिश के मौसम में क्या होता है पानी ही पानी होता है हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होती है तो चूहे जो हैं वो अपने बिल से नहीं निकलते हैं तो ये हो गया आपका पहला उत्तर यानी प्रश्न पांच का उत्तर फिर क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों क्या तुम्हें तुम्हें चूहा नटखट लगा जी हाँ हमें चूहा नटखट लगा क्यों लगा क्योंकि जो चूहा था वो अपनी सभी लोगों से अपनी बात यूं मंगवा लेता था अपने शैतानी करके हाँ मुझे भी चूहा काफी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंत में अपने काम सभी से करवा लिए उसने अपनी टोपी सिलवा ली उस पर सितारे भी जुड़वा लिए तथा अंत में राजा के सिंहासन पर बैठने में भी सफल हो गया तो जो भी कुछ कहा करा उसने वह उसने बहुत आसानी से और शरारत से पूरा कर लिया तो सारे काम अपने मनवा लिए तो वो चूहा क्या हुआ नटखट ही तो हुआ तो ये रहे आपके दोनों उत्तर इन्हें फटाफट से आप लोग लिख लीजिए ठीक है चलिए ये लिख लिया आपने दोनों उत्तर और दोनों लिखे बगैर आगे नहीं बढ़ना है फिर अगला प्रश्न कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया तुम्हें तो इसका क्या कारण लगता है कि पहले तो शुरुआत में तो चूहे के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि चूहे को कपड़ा लेना है या चूहे को टोपी सिलवानी है कोई सब उसे भगा रहे थे फिर वो तो बाद में बात माने बट शुरुआत में सब उसे भगा रहे थे तो ऐसा क्यों हो रहा था तो उस किसी को भी एक चूहे की टोपी पहनाना तथा उस पर सितारे लगवाना बात गले से नहीं उतर रही होगी गले से नहीं उतर रही होगी ये एक मुहावरा है कि मतलब किसी को ये बात समझ नहीं आ रही होगी चूहा कपड़ा लेके क्या करेगा एक चूहा टोपी सिलवा के क्या करेगा क्या हमने कभी चूहे को टोपी में देखा है नहीं हमें भी नहीं समझ में आ रहा है पर जो वो चूहा था वो सब हंस रहे, 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 रहे थे उस पर सब सोच रहे थे कि चूहा ऐसी मजाक कर रहा है ठीक है तो ये हो गया आपका उत्तर इसे भी आप लोग फटाफट से लिख लीजिए फिर हम बढ़ेंगे आगे चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न पे आ जाइए एक्सरसाइज वाले पेज पे अब जो ये पेज है इसमें लिखा है अंगूठे की छाप से चूहा तो ये जो होता है ये होता है हमारा अंगूठा ठीक है अब ये अंगूठा होता है इसके छाप से ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं अब जैसे ये है अब ये तो है हमारा जो छाप है इसमें छाप नहीं आ रहा बट जब कुछ वाटर कलर्स होते हैं हम उसमें डिप करेंगे अपने अंगूठे को तो उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं तो ये जो है अगर इसमें आपको चित्र बनाने को कहा है? आप नहीं तो अंगूठे के छाप से क्या क्या बना सकते हैं ठीक है तो आप लोग के लिए एक्टिविटी जरूर होगी पर इसमें आपको भी छाप से चूहा बनाना है तो कोशिश करें आपसे बन जाए नहीं तो एक्टिविटी वाले दिन मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे ये पेज की एक्सरसाइज हुई खत्म अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर तो अगले पेज की ओर अगला पेज है नाइन फोर नाइनटी फोर तो इस पेज पे क्या दिया है किसके पास जाओगे चुहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास कपड़े उन कामों के लिए, के पास जाओगे? तो पहला है कपड़े खरीदने अगर तुमको कपड़ा खरीदना होगा तो तुम किसके पास जाओगे हम कपड़े वाले के पास जाएंगे ल, लकड़ी की कुर्सी बनवानी हो तो ये सारी चीजें दी हैं यहाँ पे आपको क्या भरना है मैं अभी आपको बताती हूँ तो आपको लिखना है इसी को देख के ठीक है चलिए तो ये हो गया जगह थी ना तो कपड़े के विक्रेता बजाज के पास कपड़े के विक्रेता कपड़े बेचने वाले के पास, लकड़ी की बनाने के पास बढ़ाई यानी हम इंग्लिश में कहते हैं तो बढ़ाई के पास जाएंगे यानी लकड़ी की कुर्सी बनाने वाले के पास किताब पर जल चढ़वाने के पास अगर जिल्द जिल्द यानी कवर तो जल्द साज के पास जाएंगे ठीक है बाल कटवाने तो हम सबको पता है हम हाँ नाई के पास जाते हैं यानी बाबर ठीक है मोहल्ले की रखवाली करने के लिए सबको पता है चौकीदार यानी कि वॉचमैन मिट्टी के दिए और सुरहरी बनाने के लिए, पास यानी कि गुम्हार यानी कि पॉटमैन माँ की घड़ी घड़ी ठीक करवाने के लिए माँ की घड़ी खराब हो गई है उसके ठीक कराने के लिए तो घड़ी सास के पास ठीक है तो ये है हम चीजें कि हमारी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो गई कि हमें लकड़ी की कुर्सी बनानी है तो हम किसके पास जाएंगे कपड़े खरीदना है तो किसके पास जाएंगे माँ की घड़ी खराब हो गई उसे ठीक कराना है तो किसके पास जाएंगे तो ये सारे लोग हैं जिनके पास हम जाएंगे ठीक है तो बहुत ही आसान है फटाफट से आप वो खाली जगह पर लिख लीजिए ठीक है चलिए पॉज करके लिखिएगा हम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं अगली इसकी एक्सरसाइज़ पे तो यहाँ पे आपने आई होप सब कुछ लिख लिया होगा अब हम आते हैं एक और अनेक एक और अनेक इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक और अनेक पे कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं हम इस पे बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक अगर हमारे पास एक केला है केला पता है हमारे पास एक केला है अगर हमारे पास चार केले हैं हम क्या बोलेंगे चार केला हमारे पास चार केला है ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम क्या, हम क्या बोलेंगे? हमारे पास चार केले हैं। क्या बोलेंगे हमारे पास चार केले हैं। वैसे ही हम बोलते हैं अगर हमारे पास घड़ी है ठीक है हमारे पास घड़ी है तो हमारे पास एक घड़ी है अगर हम बोलते हैं हमारे पास चार घड़ी है तो हम ये बोलेंगे हमारे पास चार घड़ी है नहीं हमारे पास चार घड़िया हैं ठीक है तो हम क्या बोलते हैं हमारे पास चार खड़ियां हैं तो इस तरह से होता है एक और अनेक का मेल एक चीज और अनेक चीज एक और अनेक जैसे कि आ, हम बोल दें अगर मेरे पास ये क्या है ये एक पेन है बट आपके पास हो सकते हैं दो पेंसिल हो तो वो एक से ज्यादा है तो वो गई अनेक ठीक है तो ये होता है एक और अनेक हम इस पे और चीजें पढ़ चुके हैं हरा हाथ है ठीक है हाथ में एक अंगूठा है पर अनेक उंगलियां हैं ठीक है एक अंगूठा है पर अनेक उंगलियां उंगली तो चार है पर अंगूठा तो एक ही है तो जो एक से ज्यादा है एक से ज्यादा क्या है हमारे पास उंगली तो हमारे पास चार उंगली है नहीं चार उंगलियां और एक अंगूठा है तो इसी तरह से जो एक से ज्यादा हो जाता है हम उसको बढ़ा देते हैं किस तरह से लिखते हैं या तो हम उसमें या लगा देते हैं या तो एक ही मात्रा लगा देते हैं ठीक है के ला था तो के ले कर दिया एक ही मात्रा लगा दी ठीक है फिर घड़ी था तो घड़िया में या लगा दिया यहाँ पे या एक्स्ट्रा कर दिया तो प्लस कर देते हैं बस या ठीक है चलिए अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा फिर वर्कशीट करेंगे आपकी बुक की तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो खाली जगह भरो इस कमरे में दो दो खालिस्तान है तो यहाँ पे लिखा है खिड़की तो दो बोला यानि एक से ज्यादा है तो दो है तो खिड़की का क्या हो जाएगा खिड़की या एक चीज और मैं बता देती हूं, जहां पे भी आखिरी में आखिरी में खिड़की तो ई की मात्रा जब आती है तो हम उसको बढ़ाने के लिए या ही लगाएंगे उसी तरह से जैसे कि हमारा कहीं पे अ आ, आ रहा है तो हम ए लगाएंगे ठीक है जैसे के ला था ला और की मात्रा आ रही थी तो हमने के लेकर दिया यानी एक ही मात्रा लगा दी ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं तो यह है बुआ जमीन के लिए डैश लाई याने खाली जगह है तो बुआ समीना समीना के लिए समीना कौन थी एक उनकी जो बच्ची थी उनका नाम था समीना के लिए डेरो डेरो यानी एक से ज्यादा हो गया एक था और एक से ज्यादा यानी डेरो बहुत ज्यादा हो गया तो एक से ज्यादा हो गया तो कॉपी में हम क्या कर देंगे कॉपी यहां कर देंगे जैसे हमने खिड़की का खिड़की या किया था वैसे कॉपी का कॉपी या होगा क्यों क्योंकि वो चीज एक से ज्यादा बढ़ गई है डेरो बोल रहे हैं फिर अगले पे आते हैं खाली जगह मैदान में फुटबॉल खेल रही है तो लड़की लड़की खेल रही है तो खेल रही है तो लड़की या खेल रही है एक से ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे भी या लग जाएगा गोविंद तेजी से खालिस्तान चढ़ रहा था तेजी से तेजी से क्या चढ़ रहा था एक सीढ़ी चढ़ेगा नहीं ढेर सारी सीढ़ी यहाँ चढ़ेगा तो गोविंद जो था सीढ़ी यहाँ चल रहा था क्योंकि एक सीढ़ी नहीं थी वहां पे ढेर सारी सीढ़िया थी गंदी जगह पर खालिस्तान भिन्न भिनाती रही हैं भिन्न भिनाती कौन भिन्न भिनाती है मक्खी पर ढेर सारी तो मक्खी या ढेर सारी एक से ज्यादा अनेक यानी मक्खी या तो यहाँ पे हमने सारी खाल, खाली जगहों में क्या करा अपनी चीजें भर ली यहां पे सब में या, या, या लगा लिया तो सब चीजें एक से क्या हो गई अनेक हो गई एक की बात करते हैं तो वो हम एक चीज बोलेंगे खिड़की बोलेंगे तो चलेगा पर जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हम खिड़की बोलेंगे तो नहीं चलेगा वहां चार खिड़की है नहीं वहां चार खिड़की या है इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा तो इन्हें कैसे लिखना है ये हम देख लेते हैं तो आपको इस तरह से सब चीजें भरनी है जैसे खिड़की का खिड़कियां हो गया यहाँ पे था आपकी खाली जगह कॉपी का कॉपी हो गया लड़की का लड़की यहाँ हो गया सीढ़ी का सीढ़ी यहाँ हो गया और मक्खी का मक्खी यहाँ हो गया तो आप फटाफट से आप देख के इन्हें भर लीजिए अपनी किताब में तो जिससे हम आगे बढ़ सके वीडियो को रोक के भरिए क्योंकि बिना लिखे आगे नहीं बढ़ना है ठीक है चलिए अब हमारी पेज पेज नंबर नंबर 94 की एक्सरसाइज खत्म हुई 95 पे आ जाते हैं तो पेज नंबर 95 ओपन करना है अब आपको पेज नंबर 95 पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज गिवन है जो हम साथ में फटाफट से कर लेते हैं तुम्हारी बात तो पहला प्रश्न क्या है इसमें तुम बजा, बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं देते बजाज हमने देखा था क्या होता है कपड़े देने वाला जो कपड़े बेचता है तो अगर तुम भी कपड़े की दुकान में होते तो क्या तुम चूहे को कपड़ा बेचते या नहीं बेचते तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आइए हम देखते हैं तो यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता क्योंकि एक चूहे के के लिए कपड़े कोई मतलब के नहीं है हम चूहे को कपड़े क्यों देते क्या कभी हमने देखा चूहों को कपड़े पहनते हुए नहीं तो चूहे को कपड़े देना जरूरी नहीं होता तो हम उसको चूहे को कपड़े नहीं देते ठीक है ये हो गया प्रश्न और ये हो गया आपका उत्तर इसको लिख लीजिए फिर है अगला प्रश्न चूहा राजा बनकर देखना चाहता था तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या क्या करते होंगे तो चूहा क्या चाहता था कि राजा अपने सिंहासन से उतर जाए और मैं उनके सिंहासन पे बैठ जाऊं वह राजा बनना चाहता था तो अगर तुम्हें क्या लगता है राजा के सिर्फ बैठने का काम होता है और कोई काम नहीं होता उनके पास तो ढेर सारे काम होते हैं तो क्या क्या काम होते हैं तो राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण कल्याण यानी उनके अच्छे के लिए तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु तो, कार्यक्रम बन, बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे तो ढेर सारी कार्यक्रम यानी कि जो भी योजनाएं होनी है उनके गांव में उनके शहर में वो सारा काम किसका है राजा का है अपनी प्रजा, अपनी प्रजा यानी जो उनकी राज करते हैं वो जहां पर भी तो वहां के जो लोग हैं उनका ध्यान रखना उनको अच्छे से रखना ये भी किसका काम है ये भी काम राजा का है और अपनी प्रजा की रक्षा करना जितने भी लोग उनके शहर में रहते हैं उनके गांव में रहते हैं उन सबकी रक्षा काम काम भी राजा राजा के पास ही है। है? है, तो ये सारे काम कौन करता है? राजा करता है, दिन भर करता है तो ये है आपके दोनों उत्तर इनको आप पॉज करके पहले लिखिए अपनी कॉपी में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो प्ले करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है फिर आगे का प्रश्न देख लेते हैं आगे का प्रश्न है तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा और क्यों तो हम सब चाहेंगे कि हम राजा बने चूहा कौन बनना चाहता है सब क्या चाहते हैं कि हम राजा बने और राज राजा बन के राज करें तो मैं राजा बनना पसंद करूंगा मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूंगा ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सके और उनके दुख दर्द को दूर कर सके राजा बनना क्यों पसंद करूंगा जैसे सारी समस्या जो है उनकी हल हो जाए और उनके दुख दर्द जो है वो कम हो जाए तो इसलिए मतलब मैं सबकी रक्षा करूंगा सबके दुख को कम करूंगा सबकी खुशी में शामिल होऊंगा इस कारण से मैं राजा बनना चाहता हूं ठीक है तो ये हो गया आपके तीनों उत्तर अब वापस से पेज पे आ जाइए तो ये हैं आपके तीनों चीजें अब इन तीनों उत्तर को आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके लिखना है सारे उत्तर ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है ठीक है आगे आते हैं कैसे हो काम दर्जी अपने काम में कैची फीते मशीन धागी धागा, आदि का इस्तेमाल करते हैं ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते होंगे तो जो दर्जी होता है उसको दर्जी यानी टेलर तो उसके पास कैची होती है कपड़े सिलने वाली मशीन होती है और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो अपने काम किन चीज़ों की मदद से करते होंगे तो आइए देखते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है तो बढ़ाई बढ़ाई को यानी कारपेंटर कारपेंटर को क्या चाहिए आरी आरी यानी वो काटते होगा लकड़ी को और हथौड़ा हथौड़े की भी जरूरत पड़ती होगी तो आरी और हथौड़े से वह अपने काम कर सकता है रसोई तो यानी कुक तो कुक क्या काम करता होगा कुक को क्या क्या चीज चाहिए खाने बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन चाहिए और गैस की तो जरूरत है ही क्यों नहीं होगी गैस के बिना खाना बन सकता है क्या नहीं फिर है हमारे डॉक्टर तो डॉक्टर को क्या चीजों की जरूरत थी इंजेक्शन और थर्मामीटर ठीक है फिर है कुम्हार तो कुम्हार करता है मिट्टी का काम तो उसको चाहिए मिट्टी और पानी और चाक पहिया ठीक है चाक पहिया होता है जिसपे वो पॉट बना सकता है हमने देखा भी है कि ऐसे घूमता रहता है वो ठीक है चित्रकार चित्रकार ने ने पेंटर पेंटर को क्या चाहिए ब्रश चाहिए और रंग चाहिए ढेर सारे किसान यानी कि फार्मर उसको क्या चाहिए बीज चाहिए और खाद खाद यानी जिससे वो फार्मिंग यानी कि खेती कर सकता है तो ये चीज ये लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपने काम करने के लिए फटाफट से ये चीजें लिख लें जिससे हम आगे बढ़ सके तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं अब आपकी आखिरी की एक्सरसाइज बनी है दर्जी का अब ये चीज बताइए मुझे हमारा दर्जी कैसे लिखते हैं द ज दज गया दज फिर हमने लगा दी इसमें ई की मात्रा यानी ई की मात्रा तो हो गया दजी अब हम इसे करना है ज क्योंकि तो हमने लगा दी बिंदु तो हो गया दजी अब दजी में हमने ये लगा रहे हैं र तो कहीं नहीं है हमने लगाई र की रफेर तो तब ये बना दर्जी तो दर्जी लिखते हैं कुछ इस तरह से सारी चीजों की जरूरत है ज, ज को ज करने के लिए बिंदु लगाई र सुनाई देने के लिए र की रफेर लगाई तो इस चीज को जो करते हैं जो पीछे से ज, ज में लग रही है उसे कहते हैं र की रफेर क्या कहते हैं र रा की रफेर रा जो रा लिखे बगैर रा सुनाई देता है हमें अगर हम ये लगा दे तो जैसे हो गया दर्जी ठीक है तो अब अब हमें देखना है लगानी कैसे ठीक है तो जैसे कि द ज, ये हो गया अब इसमें पे सुनाई दे रहा है द के बाद दर जी दर जी र के बाद, बाद सुनाई दे रहा है ज के पहले दर जी अगर हम ऐसे लिखे हमें पता नहीं हो रहा फेर क्या होती है तो हम कैसे लिखेंगे द जी है ना हम इस तरह से लिख देंगे ठीक है पर तो जो शब्द के पहले र आ रहा हो जैसे जो के पहले रहा है तो हम उस शब्द पे लगा देंगे रफेर और र को हटा देंगे ठीक है तो रफेर लगाने का सिस्टम समझ में आया जिस शब्द के यहां पे र लिखा था मैंने दर्ज़ी, ऐसे बन रहा था तो जिस अक्षर के पहले र आ रहा हो उस पे ही हम लगाएंगे रफेर ठीक है तो दर्जी में शब्द र की आवाज जैसे रफेर निशान लगाकर लिखा जाता है ऐसे कुछ शब्द हमें लिखना है जैसे कि खर्च खर्च में कहा आता है र की रफेर आती है ख च और खर्च अगर हम सोचे खर्च कैसे लिखेंगे ख तो ये हो गया खर्च पर च के पहले क्या आ रहा है रा रहा है तो हम च पे लगा देंगे र की रफेर और ये हो गया सही शब्द ठीक है आइए ऐसे और शब्द देखते हैं तो हो गया मर्जी सर्दी कर्ज दर्द मर्ज और धर्म तो ये सारे शब्द वही जैसे हो गए र की रफेर के ठीक है इसमें से एक एग्जाम्पल और लेते हैं अब अगर हमें धर्म लिखना हो तो धर्म ये हो गया धर्म पर हमें लगानी है रफेर तो र जो है वो किसके पहले आ रहा है म के पहले आ रहा है र तो यानी कि म में लग जाएगी र की रफेर तो ये हो गया धर्म ठीक है तो इन शब्दों को लिख लीजिए जिससे हम आगे बढ़ सके ठीक है चलिए तो इसी के साथ जो है हमारी सारी एक्सरसाइज 95 पेज नंबर की भी हो गई तो तीन पेज में एक्सरसाइज थी वो तीनों पेज की एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है तो आपका जो चैप्टर है वो भी हो गया है फिनिश पहले पार्ट में हमने कहानी पढ़ी थी कहानी को समझा था और दूसरे पार्ट में हमने सारी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया है अब अगर मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है गूगल पे जाना है टाइप करना है मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम और सर्च करना है जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपकी ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी नीचे आपको ढेर सारी क्लासेस गिवन है जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास पे आपको क्लिक करना है फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ते हैं तो क्लास थर्ड पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लास थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे सब्जेक्ट्स शो होंगे जो क्लास थर्ड में आपके subject, आपकी में सब्जेक्ट आपके क्लास थर्ड में ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां शो होंगे जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है अगर आपको ईवीएस देखना है वॉच वॉच नाउ नाउ पे पे क्लिक क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो ईवीएस के सारे चैप्टर्स आपको शो होंगे वही सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस पे आपकी बुक में है जो भी चैप्टर आपको देखना है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको चैप्टर वन देखना है पूनब्स डे आउट जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें तो पूनब्स डे आउट का जो चैप्टर है वो आपके सामने खुल जाएगा और आप आराम से चैप्टर को इंजॉय कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है भी कुछ भी फाइंड आउट करना ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फोर्टीन वो भी खत्म होता है और हमारा जो एक्सरसाइज थी वो हमने इस पार्ट में खत्म किए हैं पार्ट वन में कहानी खत्म की है कुल मिला के चैप्टर खत्म हो चुका है और आपकी बुक भी जो है वो खत्म होने वाली है इसके बाद आखिरी चैप्टर बचा है चैप्टर फिफ्टीन उसमें एक कहानी है बहुत अच्छी वो भी हम पढ़ेंगे साथ में तो तब तक के लिए देखते रहिए मैगनेरब्रेन और करते रहिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू